हमारा मालिक घर का चोर है तो जनता कैसा होगा? ट्रेन बेचने दिए, बैलगाड़ी बेचने लगे, खेतवारी बेचने लगे। मोदी देश बेचवा है, इसको हटा देना है। मोदी को तो किसको लाना है? लाना है तेजस्वी भैया को। संविधान खतरे में है, इसलिए लालू जी को लाना है। क्यों लगता है संविधान खतरे में? बिल्कुल खतरे में है। मीडिया वाले जो है मोदी जी के गोदी में बैठे हैं, ठीक चलता है। आप लोग सवाल करते हैं, सुषमा स्वराज के बेटी के टिकट मिल गया, वो परिवारवाद नहीं है? चिराग के चाचा सांसद, चिराग के बाबूजी सांसद, चिराग के भाई सांसद, ये कैसे कहते हैं कि बस बंसुआ पार्टी है? 3 महीना में जो करके दिखाए हैं, ये देखिए हमारे टीचर है, ऐसा एक नहीं, ऐसा लाखों लाख यहाँ लड़का बीपीएससी के शिक्षक यहाँ पे झंडा लेके तैयार है। मोदी नहीं, हम आपको बता रहे हैं के गांधी मैदान में विश्वास रैली को सफल बनाने के लिए महिलाएं भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। और इस रैली में जिले के अलग अलग कोने से, बिहार के अलग अलग जिलों से काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बातें करेंगे, क्या नाम हुआ मैडम आपका? अधिवक्ता मंजू यादव, प्रदेश सचिव। क्या लगता है जनसैलाब से जो है कि बिहार में आने वाली जो सरकार होगी वो बदल जाएगी? बिल्कुल, ये जनसैलाब कहीं ना कहीं नया रूप लाएगी। महिला का आज जो संख्या है काफी बहुत ज्यादा, और जो 17 महीना में जो करके तेजस्वी जी दिखाए हैं वो 17 साल में नहीं कर पाए, उससे कहीं ना कहीं जनता में विश्वास जगा है। और जहाँ जब देश में अछत बट रही थी तो राज में नौकरी बट रही थी, तो उसे अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए हमारे बिहारवासियों जरूर सोचेंगे, तेजस्वी जी को चिन्हित जरूर करेंगे। तेजस्वी जी इतना ही अच्छा काम कर रहे थे तो आखिर नीतीश जी क्यों पलटी मार गए? उनका तो अपना पेशा है, वो उनको क्या, कभी समय के साथ बदलते रहते हैं। जी जी, तो क्या पता कल फिर मोदी के साथ हट करके फिर भी पलट के आएंगे। वो पलटने का पेशा है तो फिर पलटी मारेंगे। नीतीश जी, मोदी जी लेंगे कि नीतीश जी नहीं पलटेंगे? हाँ। नीतीश जी फिर पलटने वाले हैं 2 या 4 महीना के अंदर में। हाँ। आप देख लीजिएगा, उसको पलटने का बीमारी हो गया, वही नौजवान का भविष्य होगा, वही हमारे बिहार का भविष्य है। तेजस्वी यादव, आप कहाँ से आई हैं? खगड़िया जिला से। 500 महिला आए हैं, 500 500 खगड़िया जिला से। आप कहाँ से हैं मैडम? वैशाली जिला अध्यक्ष हुए, सुचित्रा चौधरी हमारा नाम हुआ। 500 महिला, 250 कल, 300 कल, 200 आज महिला को लेकर के आए हैं। हमारी पूरी हुजूम यहां पहुंच चुकी है और तक को बदलने की तैयारी है। नीतीश कुमार का फिर क्या होगा? ये भीड़ देख करके नीतीश कुमार का तो एकदम हार्ड कप जाएगा। नीतीश कुमार के भीड़, नीतीश जी का तो आप लोग जानते ही है, हमसे अच्छा आप लोग जानते हैं। हम लोग उनके बारे में हम क्या बोले, पलटू चाचा है, पलटते रहते हैं। तो अगर नीतीश जी इतना ही अच्छा काम कर रहे थे तेजस्वी जी के साथ, तो फिर आखिर किस लालच में चले गए मोदी जी के साथ? नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री चाहिए, 6 महीना इधर रहे तो मुख्यमंत्री हम रहे, उधर रहेंगे तो मुख्यमंत्री रहेंगे, ज्यादा दिन रहेंगे तो हम लोग फिर मुख्यमंत्री हम लोग के मांगेंगे न, मांगने के डर से उधर मुख्यमंत्री, इधर जाएंगे तो फिर 1 साल मुख्यमंत्री, उधर जाएगा तो 5 साल रहेंगे तो भाजपा वाला रहने देगा मुख्यमंत्री, फिर पलट के इधर आएगा। उसको मुख्यमंत्री रहना चाहिए बस। उनको बस एक ही बात का डर हुआ कि हम 17 साल में जो नहीं कर पाए वो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने कर दिखाया। उनको ये बात का डर हो गया कि कहीं हम पीछे ना रह जाए, तेजस्वी जी आगे नहीं निकल जाए, इसके लिए वो फिर से पलटी मारे हैं बस। और कोई बात नहीं है, पलटू चाचा है इसलिए पलट जाए। गया जिला से। जब हमारा मालिक घर का चोर है तो जनता कैसा होगा? जनते ना उनको बनाया है मालिक, बनाए तो की अच्छा चलाएंगे, लेकिन अभी ट्रेन बेचने दिए, बैलगाड़ी बेचने लगे, खेतवारी बेचने लगे। क्या उनको बाल बच्चा का पढ़ने का कमी है? जबकि हमारे परिवार लोग पर सब मोथा पर बोझा लाद रहे हैं। तो मोदी जी को हटा देना है, हटा देना है, सफा हटा देना है। इनकलाब जिंदाबाद, मोदी देश बेचवा है, इसको हटा देना है। मोदी को तो किसको लाना है? लाना है तेजस्वी भैया को। तेजस्वी जी अच्छा कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा। बिहार में क्या कर दिए? 5 महीना में 5 लाख नौकरी दिए, 17 महीना में। तेजस्वी जी, हाँ, आपको मिला कि ना नौकरी? मिला है, हमारा झंडा ढोना है। बना झंडा का ढोए है, झंडा ढोना जरूरी है। मतलब झंडा ढोइएगा तो यानी नौकरी नहीं मिलेगा, दूसरे का मिलेगा, नौकरी मिलेगा, पक्का मिलेगा, लेकिन पहले झंडा ढोना है। अरे ढोना यो जरूरी है, जरूरी है। हाँ, मगर क्या है? बिहार बख्तियारपुर से, बख्तियारपुर विधानसभा से आए हैं, बख्तियारपुर से। हाँ, अभी बताइए कि झंडा ढोने के लिए कोई बताया कि अपने मन से आ गया? अपने मन से। हाँ, हमारा एकदम दिल में जिगरा है तेजस्वी भैया। तेजस्वी जी से इतना प्यार लगाव कहा है जी? लगाव है कि यादव जी है, बहुत मानते हैं यादव जी। हाँ सर, आप लोग भी यादव है। यादव जी की बात नहीं है, यहाँ है संविधान बचाना। हाँ। समझ गए, लोकतंत्र खतरे में है। हाँ। हमारे गरीबों के मसीहा, हाँ,
दलितों के मसीहा लालू प्रसाद यादव ने हम लोगों को बोलना सिखाया, चलना सिखाया, लड़ना सिखाया। इसलिए संविधान बचाना जरूरी है। संविधान में हमारे संविधान खतरे में है, इसलिए लालू जी को लाना है। क्यों लगता है संविधान खतरे में? बिल्कुल खतरे में है। और देखिए संविधान को कैसे कर दे रहे हैं मोदी जी, तहस के नहस कर दे रहे हैं, और आरक्षण कैसे कर रहे हैं। आज तेजस्वी जी का दिन है कि आरक्षण सबको मिला, सभी को अगड़ा पिछड़ा दलित अति पिछड़ा के सभी को लालू जी ने बात करता है, तेजस्वी ने बात करता है। बीजेपी में ऐसा देखे हैं कभी? आप कहाँ से आए हैं? हम औरंगाबाद जिला से आए हैं, रफीगंज विधानसभा में। मोदी जी आए थे वहाँ जी? अरे मोदी जी के कोई था जी, वहाँ भीड़ था, एक भी भीड़ नहीं था। सब जहानाबाद से गया भी ना, तो सब पैसा पर गया था, एक भी भीड़ नहीं था। वही क्या अपने मन से आए? अरे भाई लालू जी के पूरा बिहार के जनता, हर गरीब दलित, पूरा लालू है तो पूरा तेजस्वी है। यहाँ किसी को बुलाया नहीं गया है, खुद से आया है, भूखे अपने सतुआ लेके आए हैं, लिट्टी लगा के आए हैं, सब अपने इच्छा अनुसार आया है। भीड़ जुटाने से बिहार की गरीबी चली जाएगी? अरे भाई गरीबी कैसे नहीं गई बताइए? नहीं, युवाओं के रोजगार कौन दिया? युवाओं के रोजगार कौन दिया? नौकरी कौन दिया? तेजस्वी ने दिया जी, सरकार में तो नीतीश जी। फिर सरकार में नीतीश तो क्यों चले गए? इसीलिए ना चले गए। उन्होंने तो कहा था कि नीतीश कुमार कहाँ से लाएगा नौकरी? तेजस्वी को अपना बाप के जेल में से लाएगा? कहाँ से लन के दिखा दिया ना नीतीश कुमार को कि कहाँ से कैसे नौकरी दिया जाता है? दम होना चाहिए, जिगर होना चाहिए। एक गरीबों के मसीहा है लालू प्रसाद यादव जी का बेटा, और पूरा देश जान रहा है, और इनके पूरे साथ है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद है, रहेंगे। गरीबों का आवाज दिया है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलते हैं हम। हम लोगों ने काम पर विश्वास करते हैं, समझ गए। देखिए मैं बता दूं कि बहुत लोग यहाँ पे हैं, ये लोग जो है कि खास करके युवा है, और ये लोग जो है कि आरजेडी का झंडा लेकर के और यहाँ पे तमाम जो है कि उनके नारे लगा रहे हैं। अच्छा इससे क्या मिलेगा आप लोग को? कुछ फायदा हो रहा है जी? फायदा तो होगा जी, बहुत फायदा होगा जी। क्या फायदा होगा? युवा क्या नौकरी मिलेगा जी? आपको नौकरी मिला? 2.5 लाख 5 लाख नौकरी जो निकला उसमें से कौन नौकरी आप लोग को मिला? हम पढ़े नहीं गए तो नौकरी क्या मिलेगा जी? अच्छा आप पढ़े जी? हाँ सर पढ़े हैं, लेकिन अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अभी ग्रेजुएशन ही कुछ भरे हैं सर। अच्छा तो आप नहीं पढ़े तो खाली झंडा ढोइएगा ना जी? हाँ ना जी। क्या करिएगा? झंडा ढोएंगे जी। क्या करें? मोदी जी बोले तो पकौड़ा बेचिए। पकौड़ा बेच कैसे रहेगा मोदी जी? दूध बेच के खाएंगे। दोबारा है जी अहिर जाति के, दूध बेच के खाएंगे। ठीक है, चुनाव होगा तो दूध बेच। हाँ जरूरी है, वो भी है, उसमें पानी उन्हें मिला देना है। अब जरूरी है, पानी मिलाना मेरा धर्म है, पानी मिलाना मेरा धर्म है। नहीं जी मेरा धर्म है, पानी मिलाना मेरा धर्म है। सर आप लोग आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो लग रहा है ना कि जतिवाद वाला इंटरव्यू ले रहे हैं कि दूध मिलाते हैं। मोदी जी तो कहते थे चाय हम बेचते थे, तो चाय में पानी नहीं मिलाते हैं लोग? नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। आप जो कह रहे हैं कि दूध बेच दूध में पानी मिलाते हैं, तो आप लोग भी चाय में पानी मिलाते हैं? मीडिया वाले जो है सर मोदी जी के गोदी में बैठे हैं, ये चलते आप लोग सवाल करते हैं जातिवाद को लेकर के? क्या जाति का है तो यहाँ आए हैं? नहीं जाति, रुक जाइए रुक जाइए। जाति के क्या बोलिए, जाति के मतलब क्या होता है? मेरी बात सुनिए पहले, तर्क करिए। हाँ बताइए। जैसे वो बोले कि हम यादव हैं, हाँ। तो यादव हैं तो यादव जी को ही वोट देंगे, हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं, ये सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, पार्टी ना है आरजेडी, महागठबंधन में कई दल है ना, इसमें हर कैंडिडेट हर जाता। हमारा विधानसभा तो राजपूत कह रहा है, डब्लू सिंह नवी नगर के, उनको वोट नहीं देंगे? एकदम देंगे। ये कहीं कि जादू रहेगा तभी देंगे, कोई जात होगा पार्टी से रहेगा उसको वोट देंगे। पार्टी है, सभी जात धर्म की बात करती है, यहाँ जाति की बात कहाँ आती है? सभी जात की बात करती है। कभी देखे लालू जी ने दलितों की आवाज बढ़ा? ऐसा नहीं है कि एक जाति की लड़ाई है, एक जात की पार्टी नहीं, हमारा एटीजेड की पार्टी है। आप लोग, हम लोग इंटरव्यू लेते हैं सर, ई न्यूज चलाते हैं आप लोग? ई न्यूज चलेगा न्यूज ना? लेते क्यों है, चलाने के लिए तो लिया जाता है। हाँ तो ये चलो चलाइए। मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद है, तो हमारा बता रात 195 गो टिकट उन लोग का लोकसभा के फाइनल हुआ, उसमें परिवार बात वाला क्या गो है? सुषमा स्वराज के बेटी के टिकट मिल गया, वो परिवार बात नहीं है? चिराग जी कहते हैं, चिराग के चाचा सांसद, चिराग के बाबूजी सांसद, चिराग के भाई सांसद, ये कैसे कहते हैं कि बस वंशवाद पार्टी है? बीजेपी खाली नाम बदलने वाला पार्टी है, संविधान बदलने वाला पार्टी है। अभी कहते हैं कि झंडा ढोने से नौकरी मिलेगा? नहीं, पढ़ने से नौकरी मिलेगा, पढ़ेंगे तब नौकरी मिलेगा। हम लोग पढ़ लिए हैं, लालू जी के रीजन में हर जात को अधिकार मिला है, अलौक बलौक देखने की मिला है, नहीं तो दूरा पर बैठने नहीं देता सब लोग। वही फॉरवर्ड लोग कहते हैं कि हम लोग दूरा पर नहीं बैठने देते, खटिया उलट देते थे लोग। अब लालू जी खटिया स्वच्छ कर दिए हैं, अब स्वच्छ करके दिखा देंगे पूरे बिहार में, अकेले हम लोग अकेले लड़ लेंगे।
ये रैली करके क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब चुनाव को लेकर? रैली करके दिखाना चाहते हैं कि हम लोग आदरणीय लालू जी अस्वस्थ हैं, तेजस्वी जी हर जिला में जाके बोले कि आप लोग से कुछ हमारे पिताजी बात करना चाहते हैं, हम लोग उनको मिलने आए हैं कि कब तक बेचारे जिएंगे नहीं जिएंगे, हम लोग का चेहरा तो देख ले, हम लोग का नया भविष्य है। तेजस्वी जी लालू जी का आशीर्वाद देना है कि आप कम से कम सर आओ जी 10 वर्ष जीजिए कि हम लोग का राहत मिले ना, तो ये सब नाम बदलने में और काम बदलने में रहेगा। भीड़ जुटाने से बिहार की गरीबी जा सकती है? भीड़ जुटाने से जा सकती है। तो ये भीड़ किस लिए, ये भीड़ जुटाने से क्या होने वाला? भीड़ जुटाने से मोदी रुक जाए मोदी जी किस लिए आए थे? मोदी देश की बचाने के लिए, देश को विकास करने के लिए। मोदी नहीं, हम आपको बता रहे हैं, एक मिनट पर, नहीं मोदी जी, मोदी जी पहुंचे औरंगाबाद में आए, औरंगाबाद में बिहार के लिए कहा दिए, चुनाव प्रचार किए, चुनाव प्रचार किए, तो भी चुनाव प्रचार में हम लोग आए हैं, हम लोग चुनाव प्रचार में आए हैं। बिहार 40 को सांसद दिया है उनको चुनाव के समय में प्रचार करने के लिए। अरे उनको याद आया 2019 के बाद 2024 में बिहार उनको दिखा, इससे पहले बिहार उनको याद नहीं आ रहा था, कहाँ गए थे मोदी जी? अक्सर तो नेता लोग चुनाव के समय उपटते हैं। अरे हमारे नेता चुनाव के समय में नहीं उगते हैं, हमारे नेता हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। वो मात्र 17 महीना में जो युवा लड़का, युवा लड़का एक जो 17 महीना में मात्र 17 महीना में जो करके दिखाए हैं, ये देखिए हमारे प्लस टू के टीचर है, प्लस टू थे, अभी सोनपुर में पोस्टर है। ऐसे नहीं, ऐसे एक मिनट, अरे रुके, ऐसे ऐसे एक नहीं, ऐसे लाखों लाख यहाँ लड़का के गांधी मैदान में पड़े हुए हैं, एक एक विद्यार्थी नहीं है, लाखों के संख्या में यहाँ बीपीएससी के शिक्षक यहाँ पे झंडा लेके तैयार है, और जिसको नौकरी लग गया वो भी है, और लाखों लाख में जो है नौकरी के इंतजार में है वो भी यहाँ के पड़े हुए हैं। और तेजस्वी यादव को बताते हैं ना, 2024 और 2025 दोनों में झंडा चढ़ाएगा। तेजस्वी यादव नहीं रहेगा बिहार के युवा कुछ नहीं है, तेजस्वी यादव बिहार को बचाते हैं। मोदी जी ने 5 साल में 5,000 रेलवे ड्राइवर का वैकेंसी निकाले हैं, सर में से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, पूरे भारत को लड़का को स्टूडेंट को बता देना चाहते हैं कि 5,000 मात्र वैकेंसी दिए हैं, और ये हमारे जो नेता हैं लालू यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, मात्र 70 दिन में सीधे 4 लाख नौकरियां भरने का काम किए हैं। इनसे पूरे बिहार के युवा के पूरा उम्मीद है, यही एक नेता है कि पूरे बिहार के युवा को आगे बढ़ाएंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। पलटू जी गए काम से उनका उल्टी गिनती शुरू हो गया है। ये जो भीड़ है, पैसे देकर बुलाया हुआ भीड़ नहीं है, ये सांप्रदायिक ताकतों से आया हुआ भीड़ है, गरीब गुरबों का भीड़ है, ये भीड़ आम आवाम की भीड़ है, ये नौजवानों का भीड़ है, ये युवकों का भीड़ है। जय राजा, जय तेजस्वी। यहाँ पे बहुत सच में, इस एक बार इस कैमरा को घुमाइए और इस भीड़ को दिखाइए, भीड़ को देख करके समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे पटना के गांधी मैदान जो है कि पूरा का पूरा जो है कि हरी झंडी से, यानी राजद की झंडी से पूरा का पूरा जो है कि भर चुका है। बाकी आप लोग जो है कि क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।